This call is now being recorded. देखिए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अधिकार एवं कर्तव्य के अंतर्गत में विधिक अधिकार के सिद्धांत। ठीक है, तो विधिक अधिकार के सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं, एक तो हित का सिद्धांत और एक इच्छा का सिद्धांत। परंतु जो विधिक अधिकार की उत्पत्ति हुई है उसके संदर्भ में जो विधि शास्त्री है ना, वो बोलते हैं कि तीन प्रकार का है ना, तीन प्रकार का जो विचारधारा है इसके एवज में, है ना, कि विधिक अधिकार का जो सिद्धांत है वो कितने प्रकार का होगा, वो तीन टाइप का प्रचलित है। जैसे कि आप देख सकते हो विल थ्योरी, जिसको आप बोलते हो इच्छा का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है आपका इंटरेस्ट का सिद्धांत, यानी कि स्वार्थ का सिद्धांत, और तीसरा है आपका कोऑर्डिनेशन थ्योरी, यानी कि समन्वयक सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम अभी इसको देखने वाले हैं तीनों सिद्धांत को, क्योंकि ये क्या है, ये प्रचलित सिद्धांत है। ठीक है, अनेक विधि शास्त्रों के अनुसार में क्या है, ये प्रचलित है। ठीक है, इसलिए हम इसको अभी पहले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए जो इच्छा का सिद्धांत है या जो विल थ्योरी है वो क्या है, कि जो विधिक अधिकार की उत्पत्ति के संदर्भ में इसका सबसे पहला मत यही होता है कि इच्छा का सिद्धांत, यानी कि इच्छा का सिद्धांत ही क्या है, यहाँ पे विधिक अधिकार का उद्भव हुआ है ऐसा मानते हैं। इस सिद्धांत के जो समर्थक है वो है आपका हीगल, हीगल कांट और ह्यूम। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये विद्वान हैं इसके, ये बोलते हैं कि इच्छा का सिद्धांत। ठीक है, इन इस सिद्धांत के जो समर्थक है इनका मानना ये है कि जो व्यक्ति का अधिकार होता है उसकी इच्छा को प्रदर्शित करता है, यानी कि वो कौन सी वस्तु को खरीदना चाहता है, उसकी इच्छा कितनी है, इसलिए इसको इच्छा का सिद्धांत बोला गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार कानून का एक उद्देश्य होता है कि वह व्यक्ति को अपने आप को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता का अवसर प्रदान करे। जब तक मनुष्य अपनी इच्छा किसी भी चीज के लिए व्यक्त नहीं करता, तब तक दूसरा व्यक्ति उस चीज को प्रदान नहीं कर सकता। अगर आप कहीं कुछ लेने जाओगे तो जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे ये चीज चाहिए, जब तक आप अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करोगे, दुकान में क्या बहुत सारी चीजें होती हैं, आप क्या लेने गए हो, सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि आपकी इच्छा क्या है, कि आप क्या लेना चाहते हो, तब तक सामने वाला भी उस चीज को वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो बिना इच्छा के क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति आपको, दूसरा जो व्यक्ति है वो उस चीज को नहीं दे सकता, ना कि आपकी इच्छा जान सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप अगर खाना खाने के लिए बा के पास में जा रहे हो, ठीक है, या खाना खाने के लिए घर में माँ के पास में जा रहे हो और माँ को कुछ बोलते ही नहीं हो, तो माँ को ये कैसे पता चलेगा कि आप खाना खाना चाहते हो, और खाना भी खाना चाहते ये पता चल जाएगा तो क्या खाना खाना चाहते ये भी तुमको नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि इच्छा का सिद्धांत। ठीक है, तो जो प्रत्येक मनुष्य होता है उसमें कुछ ना कुछ इच्छा होती है कि उसको कुछ ना कुछ अधिकार मिले। ठीक है, अतः अधिकार की उत्पत्ति तभी हुई है जब वह समाज में व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा किसी अधिकार को प्राप्त करने की व्यक्त की है। अतः इस विचारधारा के अनुसार इच्छा के अधिकार से पैदा हुई है। तो ये शॉर्ट अगर आप समझोगे इच्छा का सिद्धांत क्या है, तो ये पिछली क्लास में आपको सर ने बहुत अच्छे से बताया कि इच्छा का सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसको ज्यादा डील करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारा स्वार्थ का सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट थ्योरी, ठीक है, इसके संबंध में ये क्या है, दूसरा मतलब अधिकारों की उत्पत्ति के संबंध में ये क्या है, दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो इसके जो समर्थक है, इसके समर्थक का नाम है आपका रस्को पॉन्ड। ठीक है, ये विधि शास्त्रियों के नाम आप याद रखिएगा, अलग से डिवाइड करके रखिएगा इसको। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार एक अधिकार कुछ भी नहीं है बल्कि जो कानून के द्वारा आरक्षित एक स्वार्थ या हित है। यानी कि यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना स्वार्थ, स्वार्थ का सिद्धांत, इसको बोलते हैं हित का सिद्धांत भी। ठीक है, हम दो ही प्रकार का सिद्धांत जानते हैं, विल का इच्छा का सिद्धांत और इंटरेस्ट थ्योरी। ठीक है, जिसको स्वार्थ का सिद्धांत भी बोलते हैं और हित का सिद्धांत भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, और इच्छा का सिद्धांत, ये थर्ड जो है वो आपको देखना है। ठीक है, तो अभी हम सेकंड देख रहे हैं स्वार्थ का सिद्धांत क्या होता है। तो
कोई भी जो व्यक्ति है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का बोल सकते हैं आप, कोई ना कोई चीज में स्वार्थ होता है, ठीक है। उस स्वार्थ की सुरक्षा व कानून, वो अपने स्वार्थ की इच्छा की पूर्ति के लिए क्या चाहता है कि कानून क्या करे, उसकी रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे, ठीक है। जब कानून से वो सुरक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह स्वार्थ एक अधिकार का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। राज्य सिर्फ उन्हीं स्वार्थों को अधिकार बनाने के लिए चुनता है जिसकी वह सुरक्षा करता है, तथा जो मान्य स्वार्थ होते हैं और जो दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ से नहीं टकराते हैं। जब राज्य किसी स्वार्थ की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है तब वह स्वार्थ अधिकार का रूप ग्रहण कर लेता है, और उस स्वार्थ को अधिकार बनाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं व तरीके उल्लेखित होते हैं उनसे वे गुजरने के बाद अधिकार बन जाते हैं। अतः अधिकार की उत्पत्ति स्वार्थ से हुई है। तो जो स्वार्थ का सिद्धांत है उसमें आपको ये याद रखना है कि जो आपका स्वार्थ है वो दूसरे के स्वार्थ से न टकराए, है ना, संघर्ष ना हो उसमें, दोनों का स्वार्थ अलग होना चाहिए, ठीक है। तभी तो राज्य उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा, है ना, और उसको बहुत सारे जो पैमाने होते हैं उससे गुजरने होते हैं तभी वो अधिकार का रूप धारण करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा समन्वय सिद्धांत है, ठीक है, वो क्या है, कोऑर्डिनेट थ्योरी। इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि जो अधिकार की उत्पत्ति ना तो सिर्फ इच्छा से हुई है, यानी कि इससे नहीं हुई है, और इससे, यानी कि ये दोनों बस से नहीं हुई है, ठीक है, ये दोनों के साथ में नहीं हुई है, मतलब कि इच्छा के सिद्धांत के साथ भी हुई है और स्वार्थ के सिद्धांत के साथ भी हुई है, केवल यही दोनों नहीं है, इसलिए तीसरा पॉइंट आया है कि कोऑर्डिनेंस थ्योरी, ठीक। इसके साथ में मतलब ये जो विधि शास्त्री हैं इनके जो समर्थक हैं उनका ये मानना है कि जो इन दोनों के साथ में उत्पत्ति नहीं हुई है बोलते हैं, और इसकी उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई है, राज्य के ढांचे व रूप के समन्वयक के रूप में होती है। यानी कि यहाँ पर राज्य भी, राज्य की इच्छा का भी यहाँ पे क्या है, राज्य भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। जैसे एक राज्य का ढांचा व रूप होगा उसी के अनुसार उसी के आधार पर अधिकार की उत्पत्ति होगी, ठीक है। जैसे कि अगर साम्यवादी व्यवस्था में अन्य प्रकार के जो अधिकार होते हैं, ठीक है, जैसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अन्य प्रकार के अधिकार होते हैं, राजतांत्रिक प्रणाली में अन्य प्रकार के अधिकार होते हैं, ठीक, ये सारे प्रकार हैं इसके। तो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त स्वार्थ व इच्छाएं ही अधिकार बनती हैं। अतः अधिकार का जन्म स्वार्थ इच्छा व राज्य व्यवस्था के समन्वय से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ये हम दो ही पॉइंट पढ़ते हैं, और ये तीसरा पॉइंट में क्या है, इंक्लूड क्या हुआ, राज्य हुआ, ठीक है। राज्य का क्या है, राज्य की व्यवस्था, ये भी क्या है, इसमें इंक्लूड है, ठीक, ये भी इंक्लूड है। तो ये हमारा क्या हुआ, विधिक सिद्धांत जो है, विधिक अधिकार के सिद्धांत कितने प्रकार के होंगे, तीन प्रकार के होंगे, परंतु हमको दो जानना जरूरी है, एक इच्छा का सिद्धांत और एक हित का सिद्धांत, ये याद रखिएगा। और तीसरा, अगर आपको कहीं लिखना पड़ जाए या कोई यहाँ पे डिटेलिंग करना पड़ जाए तो ये आप तीसरा लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट थ्योरी, ठीक है, समन्वय सिद्धांत। अब आप आगे बढ़िएगा कि जो विधिक अधिकार के प्रकार हैं वो कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल 13 है जिसको हम आगे चल के डील करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, विधिक अधिकार के प्रकार में फर्स्ट है आपका पूर्ण व अपूर्ण अधिकार, दूसरा है आपका सकारात्मक व नकारात्मक अधिकार, तीसरा है आपका सार्वभौमिक या लोक बंधक एवं व्यक्ति बंधक अधिकार, चौथा है सांपत्तिक एवं व्यक्तिगत अधिकार, पांचवा है स्वसांपत्तिक तथा परसांपत्तिक अधिकार, छठवा है प्रमुख व सहायक अधिकार, सातवा है विधिक व साम्यिक अधिकार, आठवा मुख्य व गौण अधिकार अथवा पूर्ववर्ती तथा उपचारात्मक अधिकार, नौवा है लोक विधि अधिकार, लोक व निजी अधिकार, 10वां है निहित व समाश्रित अधिकार, और 11वां है आपका वास्तविक व व्यक्तिगत अधिकार, 12वां है नागरिक व अंतरराष्ट्रीय अधिकार, और मूर्त और अमूर्त अधिकार। इतने प्रकार के अधिकार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि आपका जो अधिकार है, ठीक है, वो क्या होता है, कि मतलब
विधिक अधिकार के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके, परंतु यहाँ पे इसके प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, तो प्रकार में सबसे पहले आप पॉइंट देखेंगे पूर्ण एवं अपूर्ण अधिकार। तो अपूर्ण और पूर्ण अधिकार किसे कहेंगे? पूर्ण अधिकार वे अधिकार होते हैं जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक है, पूर्ण अधिकार के बारे में, पूर्ण अधिकार क्या है? जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है, मान्यता प्राप्त होती है और जिसका क्या है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तन कराया जा सकता है। ठीक है, जिसको न्यायालय में बोला जा सकता है भाई कि इसको आप मतलब लागू करवाइए। ठीक है, वो होता है आपका पूर्ण अधिकार। जबकि अपूर्ण अधिकार क्या होता है? अगर पूर्ण अधिकार आप समझे तो उसका अपूर्ण अधिकार क्या होना चाहिए? ये होगा आपका मान्यता तो प्राप्त होती है इसमें, ठीक है, मान्यता प्राप्त तो होती है, परंतु आप इसको न्यायालय में क्या कर सकते हो, प्रवर्तन नहीं करा सकते इसका। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है, समझिएगा इसको। क्या है पूर्ण अधिकार? क्या है? जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तन कराया जा सकता है। और अपूर्ण अधिकार जो है वो मान्यता प्राप्त तो होती है, परंतु न्यायालय में उसको प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता। ठीक है, जैसे कि पूर्ण अधिकार उसे कहते हैं जो जिसमें क्या है आपका, जिसमें हस्तक्षेप या उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय में सफलतापूर्वक मुकदमा चलाया जा सकता है। और अपूर्ण अधिकार के लिए क्या है, आप प्रवर्तित को तो करा सकते हो परंतु उसके ऊपर वाद नहीं चला सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रवर्तन का मीनिंग तो समझ गया ना, क्या होता है प्रवर्तन नहीं करा सकते। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति अर्थात जो दूसरा अधिकार धारण करता है, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को राज्य की मदद से अपने अधिकार को मानने के लिए बाध्य कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल से शब्द में लिखना है कि जो पूर्ण अधिकार होते हैं वो क्या है, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और प्रवर्तनीय होते हैं। और अपूर्ण अधिकार क्या है, विधि द्वारा केवल मान्य होते हैं परंतु प्रवर्तनीय नहीं होते। ठीक है, जैसे इसका अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहोगे तो क्या है, अगर कोई आप पुस्तक लिख रहे हो तो अगर आप उसको कॉपीराइट करा चुके हो, ठीक है, परफेक्ट राइट करवा चुके हो, तो वो क्या आएगा, आपका पूर्ण अधिकार है उस कॉपी मतलब पुस्तक पे। ठीक है, कि कोई दूसरा व्यक्ति उसको कॉपी नहीं करेगा, ठीक है, दूसरा उसका कंटेंट नहीं ले सकता, एज इट इज नहीं ले सकता। ठीक है, तो वो होता है आपका पूर्ण अधिकार। और उसी का अपूर्ण अधिकार कैसा होगा, अगर आप कोई बुक लिख रहे हो, अभी पूरा नहीं लिखे हो और बीच में ही कोई आपका कंटेंट उठा के ले लिया, ठीक है, तो वो चोरी कर लिया, ठीक है, आपके कंटेंट का, परंतु आपके पास कॉपीराइट नहीं है, आपके पास पूर्ण अधिकार नहीं है उस चीज का, क्योंकि आपने उसको लिखा ही नहीं है, तो इसलिए वो कहलाएगा आपका पूर्ण अधिकार, सॉरी अपूर्ण अधिकार। ठीक है, जैसे कि मान लो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहोगे तो कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से ऋण लेता है, ठीक है, ऋण लिया, ठीक है, और जो ऋण लेने का अधिकार है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी को ऋण दिया है तो उससे वो वापस लेने का अधिकार रखता है और उसको वो न्यायालय से प्रवर्तनीय भी करा सकता है। अगर वो नहीं दे रहा है सामने वाला व्यक्ति, तो वो न्यायालय में जाके अपना ऋण को वापस ले भी सकता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति इतना समय सीमा दे दिया है कि इतने टाइम में आपको मेरा ऋण को देना है, ठीक है, अगर वो उसको उस टाइम के लिए बाध्य कर रहा है कि आपको इतने समय में ही देना है और सामने वाला व्यक्ति आपको वो नहीं दे पाया, तो आप उस समय के बाद में उसको न्यायालय से प्रवर्तित नहीं करा सकते। ये होगा आपका अपूर्ण अधिकार। ठीक है, जहां पे समय सीमा बंध गई वहां पे आप नहीं ले पाओगे ऋण को, न्यायालय में प्रवर्तित नहीं करा सकते ना, क्योंकि आपने समय सीमा दे दी थी उस चीज के लिए। ठीक, अब आप आगे समझेगा, ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था, सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार। देखिए, तो
तो ये जो सकारात्मक अधिकार होता है, ये एक ऐसा अधिकार होता है जिससे किसी व्यक्ति से कोई भी कार्य करवाया जा सकता है, और जो उस अधिकार के अंतर्गत दिए गए कर्तव्य को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि अगर आप किसी को क्या करोगे, ऋण लेने के लिए मतलब ऋण दिए हो तो आप उसे ले सकते हो, ठीक है। ऋण लेने व देने के लिए संविदा से उत्पन्न कर्तव्य के अधिकार के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो अधिकार आपके पास है, तो आप उस सामने वाले व्यक्ति से उस अधिकार के बदले में वो काम को करा सकते हो, ठीक। जबकि जो नकारात्मक अधिकार होता है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि दूसरे आदमी से वो काम को नहीं करवा सकते हो, यानी कि ये बदलते जाएगा। देखिए, काम सबका वही है, पूर्ण अधिकार और अपूर्ण अधिकार ही इसमें मेन है, परंतु इसको नाम के साथ में परिवर्तित किया गया, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक अधिकार क्या होगा, जिसमें आप किसी भी व्यक्ति से अपने अधिकार के द्वारा वो काम को करा सकते हो, परंतु जो नकारात्मक अधिकार होता है, उसमें काम को नहीं करवाओगे, नहीं करवा सकते, ठीक। जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति की जो संपत्ति है, शरीर है, स्वामित्व है, वह पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार इस अधिकार की श्रेणी में आता है। अगर आप उस घर के सदस्य हो, तो आपका अधिकार है कि आप अगर कोई घर में क्या हो रहा है, कोई कलह हो रहा है या कुछ झगड़ा हो रहा है, तो आप वहां पे सकारात्मक अधिकार दिखा सकते हो कि हाँ, उस झगड़े को रोक सकते हो। परंतु क्या पड़ोसी एकदम से रोक सकता है उसमें? नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। परंतु वो एक सामाजिक प्राणी है, तो वो इस मामले में कुछ कदम उठा सकता है, ठीक है। तो वो होगा आपका नकारात्मक अधिकार, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड जो पॉइंट है हमारा, सार्वभौमिक या लोकबंधक एवं, ये दोनों एक ही है, सार्वभौमिक या लोकबंधक, ये दो नाम से है, ठीक है। एवं व्यक्ति बंधक अधिकार, ठीक है। सार्वभौमिक या व्यक्ति बंधक अधिकार, या लोक बंधक एवं व्यक्ति बंधक अधिकार। तो सार्वभौमिक अधिकार क्या है? सार्वभौमिक या लोक बंधक अधिकार ये है क्या, पूरे समाज के लिए होता है, ठीक है। पूर्ण समाज के लिए, यानी कि आपको जो अधिकार प्राप्त है, उसकी रक्षा के लिए क्या है, सामने वाला जो समाज है, पूरा समाज मतलब कि हर कोई आ जाता है, माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, सब, ये सब के लिए वो अधिकार मतलब कर्तव्य है कि वो आपको जो अधिकार मिला है, उसको वो आपको निभाने दे, ठीक है। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जाम्पल था आपका गाड़ी खरीदने वाला, कि आप अगर कोई गाड़ी खरीद के रखे हो, तो उसको आप ही चलाओगे, वो आपका अधिकार है, ना कि पड़ोसी, ठीक है। और व्यक्ति बंधक अधिकार, व्यक्ति बंधक अधिकार क्या है, जबकि जो व्यक्ति बंधक अधिकार है, वो किसी निश्चित व्यक्ति या किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध होता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, अगर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, ठीक है, पहले लिख लेते हैं, एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, और ये समाज के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसका एग्जाम्पल लेना चाहोगे, तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो किसी एक व्यक्ति के साथ ही तो करते हो ना, कि पूरे समाज के साथ में करते हो, किसी एक व्यक्ति के साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो अधिकार आपको मिल रहा है, वो आपका होगा व्यक्ति बंधक, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, सार्वभौमिक या लोकबंधक अधिकार, ये ऐसे अधिकार होते हैं जो समस्त संसार के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो व्यक्ति के विरुद्ध सामान्य रूप से, हर व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से आपको वो अधिकार प्राप्त होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका कब्जा या स्वामित्व, ठीक है, या प्रतिष्ठा का अधिकार, ठीक। और आपका व्यक्ति बंधक अधिकार है, जिसमें एक ही व्यक्ति को वो अधिकार प्राप्त होता है, और एक ही व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार होता है, ठीक है। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, या मानहानि, और
क्षति मूल्य का अधिकार। ठीक, तो आगे बढ़े। फोर पॉइंट है हमारा, सांपत्तिक तथा व्यक्तिगत अधिकार। ठीक, एक सेकेंड। व्यक्तिगत अधिकार तो यहाँ पे सांपत्ति का अधिकार से मतलब ये है कि जो कोई व्यक्ति की संपदा या संपत्ति का एक अंग होते हैं और उनका एक आर्थिक मूल्य होता है, जैसे भूमि, मकान, आभूषण इत्यादि। ठीक है, जिसपे जो जिसकी एक ही व्यक्ति की वो संपत्ति होती है, उसके ऊपर वो अपना अधिकार प्राप्त रखता है। जैसे कि अगर आपके पास कोई भूमि है ना, या कोई मकान है, या आपका कोई जो संपत्ति है उस पे केवल आप ही का अधिकार होता है, वो होता है संपत्ति का अधिकार। और व्यक्तिगत अधिकार क्या होता है, जो व्यक्ति के कल्याण या हैसियत पर आधारित होते हैं, इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। व्यक्तिगत अधिकार जिसको आप जानते हो, पर्सनल राइट्स, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार या सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको सामान्य रूप से ये समझोगे कि जो संपत्ति का अधिकार है वो संपत्ति के विरुद्ध प्राप्त होता है। संपत्ति कुछ भी हो सकती है, आपकी भूमि, मकान, गहना, जो भी आपकी संपत्ति है उसके विरुद्ध प्राप्त होता है। और व्यक्तिगत अधिकार आपके सुरक्षा के या स्वतंत्रता के एवज में आपको प्राप्त होता है। ठीक है, वो होता है आपका व्यक्तिगत अधिकार। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक सेकेंड। व्यक्ति के कल्याण और हैसियत पर आधारित है, और ये संपत्ति का अधिकार क्या है, संपत्ति या संपदा का अंग होते हैं और आर्थिक मूल्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो भूमि है, मकान है, और इसका एग्जाम्पल क्या दोगे, व्यक्तिगत अधिकार का स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। ठीक, पांचवा पॉइंट समझिएगा, स्वसंपत्तिक तथा स्वसंपत्तिक और परसंपत्तिक। स्वसंपत्ति का अधिकार वे अधिकार हैं जब किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति का स्वामी होने के नाते कानून द्वारा उस संपत्ति को रखने या प्रयोग करने की मान्यता मिलती है, और तो वो क्या कहलाती है, स्वसंपत्तिक अधिकार कहलाती है। और जो परसंपत्तिक होता है वो अधिकार ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार रखता है तो वह अधिकार क्या कहलाता है, परसंपत्तिक अधिकार। तो अगर आप उसको शॉर्ट में लिखोगे तो क्या बोलोगे, कि किसी संपत्ति पर स्वयं का अधिकार और किसी अन्य की संपत्ति पर अधिकार। ठीक है, जैसे कि अगर आप स्व संपत्ति का अधिकार को एग्जाम्पल में देखोगे तो किसी भूमि भूमि स्वामी का उसकी भूमि पे जो अधिकार होता है वो कहलाएगा आपका स्व संपत्ति अधिकार। अगर आप कोई जमीन खरीदे हो है ना, तो वो किसकी होगी, आपकी होगी, और आपकी होगी तो वो क्या अधिकार कहलाएगा, स्व संपत्तिक अधिकार। परंतु अगर आप जमीन खरीदे हो और आपकी जमीन पे किसी और आदमी ने कब्जा कर लिया या रहने आ गया या एकाधिकार दिखा रहे हैं, तो वो होगा आपका परसंपत्तिक अधिकार। यानी कि किसी दूसरे की भूमि पे क्या है,
यानी कि कोई भूस्वामी कोई और है और उसके ऊपर आपने अपना अधिकार जमाया या कब्जा जमाया, तो वो होगा आपका परसंपत्तिक अधिकार। ठीक है, अब आप आगे देखिएगा, छठवां, प्रमुख व सहायक अधिकार। ठीक है, प्रमुख व सहायक अधिकार के बारे में सबसे पहले ये जो आपका प्रमुख अधिकार है वो क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जो प्राथमिक अधिकार होता है जो कि उसमें राज्य के कानून द्वारा निहित होता है या विधि के अधीन संविदा भोगाधिकार या अन्य तरीके से प्राप्त होता है, ऐसे अधिकारों का अस्तित्व अन्य अधिकारों से स्वतंत्र होता है। ठीक है, जैसे कि जो राज्य का जो कानून है वो आपके अधिकार को प्रमुखता से क्या दे रहा है, स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है या उसको लागू करवा रहा है ना। तो अगर आपका जो नहीं, इसको ऐसे समझिए कि जो आपका जो प्राथमिक अधिकार है ना, उसमें जो राज्य के कानून होते हैं वो निहित होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई अधिकार दिया गया है तो राज्य उसका क्या करेगा, सुरक्षा करेगा ना भाई। ठीक है, तो कानून उसकी सुरक्षा करती है, तो कानून उसमें क्या हुआ, निहित हुआ। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसको क्या करेगा, अगर आप कोई वैध कॉन्ट्रैक्ट करते हो ठीक है, तो उसको वो लागू करवा सकता है अगर सामने वाला उसको तोड़ता है। ठीक है, भोगाधिकार या अन्य तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो चीज है वो होता है आपका प्रमुख अधिकार, यानी कि राज्य के कानून द्वारा निहित होता है और विधि के अधीन संविदा होती है, और भोगाधिकार या अन्य तरीके से जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं आप क्या, प्रमुख अधिकार। और सहायक अधिकार वे होते हैं जिसके जिसमें कोई चीज आश्रित होती है या किसी के अधीन होती है। ठीक है, जो प्रमुख अधिकार के साथ सहायक अधिकार भी समाप्त हो जाता है। अगर कोई आपका प्रमुख अधिकार खत्म कर दे तो अगर आपके साथ में कोई सहायक अधिकार भी है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। इसी कारण जब कोई भू भाग को भेज दिया जाता है, यानी कि कोई भू जमीन आपके पास में उसका कोई हिस्सा बेच देते हो या उस पर से आने जाने का अधिकार का अंत होना स्वाभाविक है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई जमीन को बेच रहे हो, ठीक है, एक टुकड़े को बेच रहे हो, एक साइड को बेच रहे हो, तो क्या होगा, आपका हिस्सा तो वहां पे अधिकार तो खत्म हुआ। ठीक है, वहां पे आप आना जाना भी बंद कर सकते हो। ठीक है, वहां पे अपने आप ही क्या होगा, वहां पे आपका अधिकार खत्म हो गया। और भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्रमुख अधिकार होता है, उस पर किराया वृद्धि या अन्य लाभ लेने का अधिकार सहायक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इन अधिकारों के संबंध में एक विधिक सूत्र प्रचलित है जिसका नाम है सहायक अधिकार सदैव प्रमुख अधिकार का अनुगमन करते हैं। तो ये सूत्र मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, सहायक अधिकार सदैव प्रमुख अधिकार का अनुगमन करते हैं। ठीक है, आज यहां तक 6 तक देखते, अब मुझे ना थोड़ा सा आप लोग बताइए कि क्या समझे हो।